चार तारीख को जो सबसे पहला नतीजा आएगा, रिकॉर्ड वोट से नतीजा आएगा, वो पूर्णिया का नतीजा बिल्कुल निसंदेह हिना साहब का प्रचार हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, निसंदेह करेंगे। अच्छे उम्मीदवारों का प्रचार करना कोई गलत नहीं है। जो व्यक्ति पप्पू यादव को लगातार इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जाने के लिए पप्पू यादव क्यों तड़प रहे, क्या वजह है, मकसद क्या है? कोई एक एमपी कैंडिडेट पूरे भारतवर्ष में करके दिखा दे कि वहां के संसदीय क्षेत्र का मैनिफेस्टो जारी करके दिखा दे, उसमें दम नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके क्षेत्र में क्या है। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव के काफी करीबी नेता और ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे अभिजीत सिंह चौहान। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएचओ न्यूज पे। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। जिस पार्टी के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा कुर्बानी दे दिया, उस पार्टी के द्वारा एक शब्द भी आपके नेता के लिए नहीं निकला? देखिए, हमने किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं, हमने सिर्फ पूर्णिया के हक और अधिकार, कोसी और सीमांचल के लिए अपनी पार्टी, अपने अस्तित्व को दांव पे लगा दिया। आपके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ नहीं हुआ ये। अच्छा। ये उन पार्टियों से पूछिए कि दुर्भाग्य उनका है कि आज पप्पू यादव उनके लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य उन पार्टियों का है। अच्छा। ये दुर्भाग्य पप्पू यादव या पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव तो आज दिल में है। आप देखिए, नॉमिनेशन में 5 से 7 किलोमीटर अगर लंबा केवल लोगों का जाम था, उसमें गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, ये समर्थन है लोगों का, ये लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग भाड़ा पर लाते, लोग पैसा देकर, अगर हम ला सकते हैं तो आप तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, एक एक जाति के बहुत बड़े जमात के नेता हैं, तो आप ले आइए ना, क्यों नहीं ले आए? पूरन खटोला से भी आए तब भी उतने लोग आपके पास नहीं आए, अरे क्यों नहीं लेके आया? कोई रोका है आपको? इस लोकतंत्र में कोई रोका है? वोट की चोट से जवाब देंगे हम लोग, और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एनडीए को यहां बिहार में 40 सीटों पर अगर कोई जवाब दे सकता है तो पप्पू यादव ही दे सकता है। अभिजीत जी, पहले तो आप लोग लालू परिवार से ना लड़ाई लड़िए, तब तो भाजपा से बाद में लड़ेंगे। सर, हमें किसी भी परिवार से, किसी भी संगठन से, आप नोट करिए, हम किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से, किसी जाति से, किसी धर्म से हमें नहीं लड़ना है। हमें इंसानियत को जिताना है, इंसानियत के लिए काम करना है, हमें कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है, हमें सदन में भी जाके कोसी सीमांचल की बात करनी है, पूर्णिया की बात करनी है, हमें किसी परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। जो जहां है मस्त रहे, हम हर स्थिति में और हर परिस्थिति में जनता के समर्थन से और जनता के वोट से हम सदन में जाने का काम 4 जून को हम कर रहे हैं। कि जिस कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने अपनी पार्टी का विलय किया, उसी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि जिन लोगों ने दल में रह करके अगर नामांकन दिया उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आखिर अखिलेश सिंह और पप्पू यादव के बीच बात क्यों नहीं जम रही? देखिए, अगर आपको कोई भी कार्रवाई करनी है तो मीडिया में बयान देने से कार्रवाई नहीं होती। मीडिया में बयान देने से कोई कार्रवाई होती है? नहीं। कोई बिल मीडिया में पास, बोल देने से मीडिया में पास हो जाएगा? आपको कार्रवाई करनी, उसके लिए आपको लेटर पैड चाहिए, सिग्नेचर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अब करिए, कौन रोका? कोई रोका है जी? कार्रवाई करने वाली बात क्यों कही जा रही है? उनकी मर्जी, अब उनसे उसका जवाब तो देंगे, उनके प्रवक्ता तो हम है नहीं, उनके प्रवक्ता हम नहीं है, क्योंकि हम पप्पू यादव जी की बात कर सकते हैं। हम किसी एक्स वाई जेड की बात करके बेफजूल में इस चर्चे की बाजार में उसको नहीं लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, पप्पू यादव को रोकने की कोशिश की जा रही है? पप्पू यादव को रोकने की कोशिश, पप्पू यादव को हराने की कोशिश, पप्पू यादव को सदन में ना पहुंचने देने की कोशिश लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पप्पू यादव संघर्ष करना जानते हैं, पप्पू यादव कामयाब नेता है, पप्पू यादव हर व्यक्ति हर विशेष के नेता है, वो किसी एक समुदाय के नेता नहीं है, उनके पास कोई समीकरण नहीं है, उनके पास जनता का एक मिश्रण है। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? हमारी रणनीति स्पष्ट है, 4 तारीख को चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से बने इसकी रणनीति पे काम करेंगे। मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से 3 सीट दिया गया, इसमें मोतिहारी लोकसभा भी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश सिंह के जो पुत्र हैं, पूर्व रालोसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको अब वीआईपी के टिकट से मोतिहारी लोकसभा से चुनाव लड़वाया जाएगा। आखिर ये पप्पू यादव, पूर्णिया और मोतिहारी का क्या कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? कुछ कनेक्शन दिख रहा है? देखिए,
पप्पू यादव से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ठीक है, लोग तो कनेक्शन जोड़ रहे हैं। कोई कनेक्शन नहीं है, क्या कनेक्शन होगा कि पप्पू यादव अगर अगर देखिए कोई कनेक्शन नहीं, कोई पप्पू यादव का कौन सौदा कर सकता है? अरे जनता का कोई सौदा कर सकता है? अरे पप्पू यादव नेता जनता का ना जी, पप्पू यादव जनता का नेता है। और आप किसके कौन किसका लड़का लड़ने जा रहा है, कौन सी पार्टी मैनेज हो रही है, ये तो जनता ना फैसला करेगी। ये तो पूर्वी चंपारण की जनता फैसला करेगी। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो है वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आप कभी किसी पार्टी से आइए और कभी किसी पार्टी से आइए और घूम फिर के 20 दिन रहिए, होटलबाजी कीजिए और बड़का बड़का VIP गाड़ी में घूमिए, दो चार जगह बोलिए और वो बोलने के लिए पीछे से चार आदमी आपको समझाए और आप घूम फिर के चल जाइए। ये आप होगा किसी के लिए टूरिस्ट प्लेस अपना टूर करने आए? आप लोग बीमा भारती को कैसे देखते हैं? क्या उन पर एक मोहरा बनाया जा रहा है पूर्णिया में? देखिए वो महिला है, मेरी बहन समान है, मैं उन पर कोई किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। उनको शुभकामनाएं हैं, वो एक पार्टी छोड़ के आई हैं, महागठबंधन की एक पार्टी में आई हैं। उम्मीद है कि 2025 में फिर वो विधायक बनेंगी। तो फिर विधायक बनेंगी? अब राजद वाले कह रहे हैं कि संसद में भेजेंगे उनको। हम हमारी बहन है और मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं 2025 की, वो रुपौली से फिर से विधायक बनेंगी और हम लोग का सपोर्ट और रुपौली के जनता का सपोर्ट जरूर उनके साथ। सपोर्ट भी करेंगे बीमा भारती को? रुपौली में सपोर्ट करेंगे ना। अच्छा। वो आएंगे तो गठबंधन से ही आएंगे, गठबंधन तो हमारा ही है, गठबंधन किसी पड़ोसी का थोड़ी है, गठबंधन तो हमारा है ना। पूर्णिया का मैनिफेस्टो आ रहा है, 9 तारीख को सिंबल अलर्ट होगा, 12 से 13 तारीख तक हम लोग पूर्णिया का मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं कि अगले 60 महीने में पप्पू यादव जीत के क्या करेंगे। कोई एक MP कैंडिडेट पूरे भारतवर्ष में करके दिखा दे कि वहां के संसदीय क्षेत्र का मैनिफेस्टो जारी करके दिखा दे, उसमें दम नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके क्षेत्र में क्या कमियां है। ये पप्पू यादव है और हम किससे डरेंगे, किस बात से डरेंगे? अरे सम्मान कर रहे हैं आपका, डर नहीं है ये, समझ लीजिए ये सम्मान है आपका। आप बड़े हैं हमसे, इसके लिए हम लोग इज्जत दे रहे हैं आपको, प्रणाम कर रहे हैं, हमारे प्रणाम को हमारा डर मत समझिएगा। तो देश की जो युवा है या जो पूर्णिया के मतदाता है, तमाम लोगों से हमारे माध्यम से पूर्णिया लोकसभा और पप्पू यादव के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए युवाओं के लिए मैं कहूंगा कि पूर्णिया और पप्पू यादव की राजनीति से आप सीख लीजिए। अगर आप सेवा करिएगा और आप लोगों के लिए काम करिएगा तो आपको ना पार्टी की जरूरत पड़ेगी, ना संगठन की जरूरत पड़ेगी, ना धर्म के ठेकेदार बनने की जरूरत पड़ेगी, ना जाति का ठेकेदार बनने की जरूरत पड़ेगी। आप जनता के उम्मीद पर खड़े उतरिए और मैं युवाओं से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं 2025 में, उन सबों से कहता हूं कि आप एक साल बचा है, आप अपनी तैयारी करिए, कोई पार्टी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, जरूरत पड़ेगी पप्पू यादव के समर्थन की तो हम लोग देंगे आपको। पप्पू यादव के आंसू का बदला लगता है कि पूर्णिया की जनता लेगी? बिल्कुल लेगी, निसंदेह लेगी, निसंदेह लेगी। आंसुओं का बदला हिंदुस्तान का युवा भी लेगा और पूर्णिया की जनता भी लेगी। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।